खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में एसएसपी के निर्देश में जनपद में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी बिक्री करने वाले व बाइक चोरी करने वाले 3 आरोपियों को नगला खंगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपियों से 1 किलो नाजायज चरस व 6 मोटरसाइकिल बरामद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ जितेंद्र निवासी थाना नसीरपुर फिरोजाबाद, जीतू निवासी कबीरपुर थाना जनपद कन्नौज, विजय कुमार निवासी नगला मधे थाना सिरसागंज फिरोजाबाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। एसओ नगला खंगर की टीम ने कल शाम के समय लगभग 4:50 पे जब ये चेकिंग कर रहे थे महाराणा प्रताप चौक के आसपास, तो एक बाइक पे 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, ये वहाँ से भागने का जब प्रयास कर रहे थे तो हम लोगों ने उनको पकड़ा। उसके बाद ये तीनों के तीनों संदिग्ध थे, उनके पोजीशन से 1 किलो नारकोटिक्स बरामद हुआ और बाकी जब इनसे सघनता से पूछताछ की गई तो ये शातिर बाइक चोर हैं, इनका एक गैंग है। इसमें से 2 जो हैं वो 2 के नाम जितेंद्र हैं, एक इसमें जितेंद्र सौरी का रहने वाला है, दूसरा नसीरपुर का रहने वाला है और इनके साथ 3rd जो था उसका नाम विजय है जो फिरोजाबाद का ही रहने वाला है सिरसागंज का। और इन तीनों की निशानदेही पे हम लोगों ने बाद में 5 बाइकें बरामद की। ये टोटल 6 बाइक बरामद हुई है, इसमें से 2 बाइक थाना खंदौली जनपद आगरा से चोरी की गई थी, उसका मुकदमा वहाँ पंजीकृत है। बाकी 4 के बारे में हम डिटेल्स लेकर के और आसपास के जनपदों में भेज रहे हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये चोरियाँ इन लोगों ने आगरा और इटावा से की है, लेकिन हम उसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं सर। तीनों बाकी इन लोगों के निशानदेही पे जब हम लोग दबिश दे रहे थे जो बरामदगी हुई हमारी, उसी क्रम में 2 व्यक्ति जो इनसे जुड़े हुए हैं इस गैंग में, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कबाड़ी है, ये दोनों फरार हो गए हैं, महराज कबाड़ी जो रामगढ़ का रहने वाला है और दूसरा मोहित जो सिरसागंज का रहने वाला है। तो ये दोनों अपराधी वहाँ से फरार हो गए हैं, इनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, इनको बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। सर उनका पुराना कोई इतिहास इसमें देखिए, हम लोग अभी इनका जो हिस्ट्री है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसका हम अभी छानबीन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं आसपास के जनता। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।